नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब मेरे पवित्र दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वी फॉर विनोवेटिव। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक दादा बैठे हुए थे बहुत ही टेंशन में। जब मैंने उनसे पूछा कि दादा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, तो बड़े ही गुस्से में और बड़े ही मतलब रुआंसे होते हुए उन्होंने बोला, अरे बेटा ये 2 साल पहले मैंने LIC ली थी, 2 किस्तें तो दे दी, अर्जेंट बाबू है, जे के बाद में पैसा नहीं दे पाओ, अब मेरा पैसा ही नहीं दे रहा, वो परेशान हो गया हूँ, 2 साल के मैंने 60,000 रुपये दे दिए भाई। तो दोस्तों ये परेशानी बहुत सारे लोगों की है जिन्होंने LIC या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो आगे की प्रीमियम नहीं दे पाए। उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, या तो उनके पास पैसा ही ना हो, उन्होंने पॉलिसी लेते टाइम सोचा होगा कि भाई हम जमा कर देंगे, हम प्रीमियम देते रहेंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। और ये भी होता है कई बार और जो एजेंट होते हैं उनकी गलती की वजह से वो लोग गलत पॉलिसी दे देते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ 2 साल या 1 साल पैसा भरना है, जबकि उस पॉलिसी में पैसा भरना होता है 10 साल तक, 5 साल तक या फिर 12 साल तक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एजेंट्स को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LIC के उन ग्राहकों के बारे में जो इस तरह से फंसे पड़े हैं, या जिन्होंने कुछ पैसा LIC में जमा कर चुके हैं लेकिन उनकी पॉलिसी लेप्स हो गई है और वो दोबारा उनको चालू करवाना चाहते हैं। तो हम इसमें आपको ऐसे 4-5 मोड बताने जा रहे हैं कि जिससे वो अपनी पॉलिसी को दोबारा रीन्यू करा सकते हैं, क्योंकि LIC ने 15 अक्टूबर तक ये विशेष पॉलिसी निकाली है और इस स्कीम के तहत आप अपनी पुरानी लेप्स हुई पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि इंश्योरेंस आदमी क्यों लेता है। इंश्योरेंस आदमी लेता है कि भैया देर सवेर अगर किसी व्यक्ति की, किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे हमारा घर चलने लगेगा। उस जो भी हमारे पास लमसम जो क्लेम आएगा उसको हम FD करा दें या कहीं पे भी करके हम हमारा घर चलाने लगें। लेकिन कई बार प्रीमियम टाइम पर ना दे पाने की वजह से लोगों की ये प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कोई भी ईयरली मोड पे अगर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड का मतलब है कि आप 30 दिन तक आपकी प्रीमियम का जो पैसा है प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 माही यानी कि हाफ ईयरली पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको एक 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप 6 महीने तक अपनी प्रीमियम वहाँ पर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी समाप्त यानी कि लेप्स हुई मानी जाती है। अब हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जो कि LIC ने बताए हैं अपने ट्विटर पर कि इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को, पुरानी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है रिवाइवल का, कि किसी व्यक्ति ने अगर प्रीमियम नहीं दे पाया है लेकिन अब अगर वो देना चाहे तो वो जितनी भी प्रीमियम नहीं दी है उन सबको इकट्ठा करके वो प्रीमियम दे सकता है। लेकिन जितने सालों तक उसने प्रीमियम नहीं दी है उस टाइम से लेकर अभी तक का ब्याज आपको साथ में देना होगा, और वो ब्याज होगा 9.5%। ये तो है पहला रिवाइवल स्कीम। दूसरी स्कीम ये है कि अगर आपने ये सारा स्कीम आपका ये हो गया अपने विद इन 3 ईयर्स वाले केसों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, केसेस के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपने 3 साल के अंदर कोई भी प्रीमियम नहीं दिए तो आप सिर्फ एक प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं, अपनी पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है, थर्ड जो कंडीशन वो ये है कि आप रिवाइवल करवाने के लिए कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। मान के चलिए कि भाई आपने अगर 4 या 5 आपकी पॉलिसी की आपको प्रीमियम देना है तो आप LIC के ऑफिस में जाइए, आप उनसे बात करिए, उनसे इंस्टॉलमेंट बनवाइए कि भैया मैं मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली में पैसा दूंगा, और तब भी आपकी पॉलिसी चालू हो सकती है। और एक और जो लास्ट तरीका है वो ये है कि अगर आपकी पॉलिसी पर ये एलिजिबिलिटी है कि आप उस पर लोन ले सकते हैं तो उस पर लोन लेकर आप अपनी प्रीमियम भर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को रिन्यू या फिर रिवाइवल करवा सकते हैं।
इस तरह से हमने आपको चार तरीके बताए जो कि सिर्फ 15 अक्टूबर तक ही मान्य होंगे। ये जानकारी LIC के ट्विटर हैंडल से ली गई है और इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप आपके नियरेस्ट जो LIC की ब्रांच है वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी LIC की पॉलिसी रिन्यू या रिवाइवल करवाना है तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि एक नियम के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3 साल तक इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा नहीं डालते हैं तो वो 3 साल का पैसा आपका वेस्टेज चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक ही प्रीमियम दी और उसके बाद अपनी पॉलिसी बंद कर दी तो उस एक प्रीमियम का पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गलत डिसीजन है या बहुत ही गलत योजना है, बहुत ही गलत स्कीम है, क्योंकि लोगों ने जितना पैसा दिया है उनको उतना पैसा वापस मिलना चाहिए। खैर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम है और इसको भारत सरकार को देखना रहेगा। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमेटी है IRDAI, उनको ये देखना पड़ेगा कि गरीब लोग बहुत मुश्किल से अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, जो कि उनको उनके हक का पैसा ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है V4 Vinnovative को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।